स्टाफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड चोसिंग आता योंग गोस देन जिंग आता ngan ne phalang ata demand chen yong sen bin te chane ngata leader hune ngata e ss ya culture space jas te ngata thu chama mas kangal bar do daksa chuk pang taru ngata te skangal bar do sangma taru taru ngata te thu ne result sangma ngata pending list te ote, taru ngata demo jose bing te met no ten tenan

nga ta center ya culture ji just tengaja mas khangar bardong dukz pasang tene kong une demba nang tene ngata apex body nang ngata kargil democratic alliance nang ngata chikdil ji just dering nang tene dun la ir board pongata group seong suno halale tene dena credit po su achano zena tene demba nang ngata apex body nang kargil democratic alliance nang ngata chikdil pe jiast ngata thulpa dering nang ladas pa miman sam chik chik song tyo pa apex nang keri through ngata chik chik song tyo pa sang dering nang ir board pongata le ba le आप तमाम लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, खासकर हमारे नौजवान बेरोजगार नौजवान और बिलखसूस जो ग्रुप बी और ग्रुप सी भी इसमें शामिल है कैडर के जो पोस्ट हैं उसके लिए लद्दाख सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो बनाया गया है उसके लिए मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ हालांकि ये एक ऐसी मांग है जो यूटी लेवल पे पहले से ही पूरी होनी चाहिए थी और ये बोर्ड जो है पहले ही तश्कील दिया जाना चाहिए था लेकिन बदकस्मती से जो नहीं हो पाया उसके लिए भी एक लंबे स्ट्रगल की ज़रूरत पड़ी और ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलाइंस की चार साल जद्दोजहद के बाद पिछले दिनों जब हमारी सब कमेटी की मीटिंग हुई एम में तो इस मसले को हमारे जो भी लीडर्स थे उन सब ने बड़ी शिद्दत से उठाया और बिल आखिर इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था और वहाँ पर डिसीजन भी हुआ था आज ये नोटिफाई हुआ है इसके लिए मैं अपने तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये भी बताना चाहते हैं कि अभी पब्लिक सर्विस कमीशन की लड़ाई हमारी बाकी है अभी हमारी स्टेटहुड की लड़ाई बाकी है और बिलखसूस हमारे जो माहौल को हमारी जो एथेनसिटीज़ को हमारी जो एक मेजर प्रोटेक्शन के लिए हमारे सिक्स शेडूल की जो लड़ाई है छठे शेडूल के अंदर लद्दाख को लाने की जो लड़ाई है वो भी हमारी लड़ाई अभी जारी है तो अभी मज़ीद हम सबको हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है जमहूरीत की बहाली तक और अपने हकूक़ की आ, मिलने तक हमें पुरान तरीके से एक जमहूरी अंदाज़ में अपनी बात को रखनी है और अपनी बात को मनवानी है सरकार से और मैं इसलिए अपील करता हूं तमाम लोगों से कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको हम कहेंगे कि हम एक बेबी स्टेप आगे बढ़े हैं तो अ, 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 स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ करके इतहाद के साथ इस लड़ाई को आगे रखना है और आइंदा आने वाले दिनों में भी आप लोगों ने जिस तरीके से आज तक जो लद्दाख के आवाम ने लेह के आवाम ने करगिल के आवाम ने जिस तरीके से तान दिया है बिल्कुल ये ताउन आइंदा भी जारी रहे और हम सब मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाएँ ताकि लद्दाख के पूरे एक हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट के लिए और वसी तर मुफाद के लिए हम कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकें लड़ सकें और मैं इसी के साथ तमाम उन तमाम लोगों का जो इस ज़द में आज तक जिन्होंने अपना वक्त दिया अपने अपनी जहमतें दी उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मजीद लड़ाई के लिए आप लोगों को मजीद आगे बढ़ने की एक बार फिर अपील करता हूँ मकामी कौमी और बैनल खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें